तस्बीह बयान फरमाते। आगे फरमाया व तैर मशूरत लहू, और परिंदे भी जमा होते थे हजरत दाऊद अलैहि सलाम के सामने, दाऊद अलैहि सलाम के पास। कुल्लुल लहू अवाब, ये सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले इंसान थे। हमारे यहाँ अगर आजकल किसी को मामूली ओहदा मिल जाए, सरकार मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, आम इलाके का वजीर भी हो, एमपीओ हो, एमएलए हो, वो आपसे बात गवारा नहीं करता कि गरीब से मैं हाथ ना मिला, ऐसा ना कि कोरोना लग जाए, बीमारी लग जाए। लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, देखें कुल्लुल लहू अवाब, ये हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। बाप के बारे में फरमाया कुल्लुल लहू अवाब, बेटे के बारे में फरमाया इन्नहु अवाब, ये भी रुजू करने वाला अल्लाह की तरफ, बेटा भी अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला इंसान था। देखें तो आगे फरमाया इज उरिज अले बिल अशील साफिनातुल जियाद, ये वाकया मैंने आपके सामने बयान किया कि बड़ों से मामूली लर्जिश हो जाए, गुनाह तो दूर की बात है, अंबिया से तो गुनाह सरजद नहीं होता, गुनाह तो दूर की बात है, गुनाह के ख्यालात नबियों के ज़हन के अंदर नहीं आते। ये किस्सा मैंने आपको बयान किया, ये हमारा अकीदे का मसला है, अकीदा मैंने आपके सामने बयान किया है। क्यों? इसलिए कि अंबिया अलैहि सलाम, मैं और आप आम जमीन की मट्टी से बने हुए हैं, और अंबिया अलैहि सलाम को अल्लाह ने जन्नत की पाक मट्टी से बनाया है, उनकी खमीर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिनके अंदर लफ्ज़िश या लफ्ज़िश के ख्याल आ जाए। अंबिया पाक है, सगीरा गुनाह से भी पाक है, कबीरा गुनाह से भी पाक है। मेरे और आपके लिए कानून ये है, मैं और आप गुनाह के करीब न जाएं। नबियों के लिए कानून ऐसा नहीं है, नबियों के लिए कानून ये है गुनाह तुम मेरे नबियों के पास न जाओ, गुनाह तुम मेरे नबियों के पास न जाओ। तो बहरहाल अंबिया अलैहिस्सलाम से मामूली लर्जिश हो जाए तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि मकाम बड़ा होगा तो उनकी मामूली बात पर भी अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछ लेते हैं। तो वो बात ये हुई थी कि उन्होंने ये कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आज रात मैं अपनी बीवियों से मिलूंगा, इनसे जो बच्चे पैदा होंगे मैं सबको अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद बनाऊंगा, इंशाल्लाह कहना भूल गए बात न बनी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, जो होगा किसकी मर्जी से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा, अल्लाह चाहेंगे नबी न चाहे अल्लाह की मर्जी होगी, नबी चाहे वली चाहे अल्लाह न चाहे तो भी अल्लाह की मर्जी होगी। मैंने एक दो मिसालें भी आपके सामने पेश की, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर शोहर के औलाद अता फरमाई, मरियम अलैहिस्सलाम को, वो बेटा कौन था, औलाद कौन थी, औलाद था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की कुदरत से। लोग इशकाल करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, अल्लाह के लिए मुश्किल है। आप तो यहाँ पे एतराज करते हो, यहाँ बाप नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम के तो माँ बाप भी नहीं है अल्लाह ने पैदा करके दिखाया, हाँ वहां तो माँ बाप भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला भाई अल्लाह के लिए वज़ालिका अलल्लाह यसीर, अल्लाह के लिए बहुत आसान है, बाकी इंसान और है अल्लाह और है, इंसान मखलूक है अल्लाह खालिक है। आप देखें यहाँ पे नबी अकरम, यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम इंशाल्लाह कहना भूल गए, अल्लाह तबारक व तआला ने 100 में से एक को हमल ठहराया, वो भी आधा धड़ पैदा हुआ, वो भी क्या पैदा हुआ, आधा धड़ पैदा हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मर्जी थी 100 बच्चे पैदा हो, अल्लाह की मर्जी थी कि एक आध इंसान पैदा हो, किसकी मर्जी पूरी हो गई। मक्के वालों ने, मैंने कई अरसा पहले, कई जमाना पहले आपके सामने एक आयत की तिलावत की, उसका तर्जमा भी किया, अब मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा आपके सामने बयान करो कि मक्का वालों ने क्या कहा। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हम आपकी नबूवत को मानने के लिए तैयार हैं, हमारे कुछ मुतालबात हैं, ये मुतालबात आप पूरा करें, हम आपको नबी मानने के लिए तैयार हैं। अब देखें, जब देखते हैं पुराने मुतालबे का भी जिक्र किया है। ये सूरह बनी इसराइल है और आयत नंबर है, और आयत नंबर है 90। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर लोग कहने लगे, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, हम यकीन नहीं करते आप पर, ईमान नहीं लाते, हत्ता तफ्जुरा लना मिनल अर्ज़ यन्बुआ, यहां तक कि तू इस जमीन में चश्मा हमारे लिए जारी करो, मक्का की सरजमीन में चश्मा जारी करो, आपको नबी मानने के लिए तैयार है। एक मुतालबा। नंबर दो, औ तकूना लक जन्नतुम मिन नखील, या आपके खजूर का बाग हो। खजूर का बाग हमारे सामने पैदा करो, अभी हमारे सामने खजूर का बाग पैदा करो तो हम आपको नबी मानने के लिए तैयार हैं। वहीना बिन और अंगूरों के बाग हो, खजूरों के और अंगूरों के बाग हो। मक्का वाली जमीन में आपको पता है एक घास भी नहीं निकलता है, इधर खजूरों के बाग हो और अंगूरों के बाग हो, तो तब हम आपको नबी मानने के लिए तैयार हैं। ये खजूर के बाग आ दो, ये अंगूर के बाग आ दो। और फरमाइश देखो, فتفجر الانهار خلالها تفجيرا, खजूर और अंगूरों के बाग के नीचे नहर जारी फरमा दो, तब आपको नबी मानने के लिए तैयार है। ये मुतालबे। अब आप ईमानदारी से बताओ, इस मुतालबे का नबूवत से क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोग कहते हैं, आप लोग आलिम हो, मौलवी हो, फलाना आदमी देखो बादाम से, कागज से बादाम बनाते, तुम लोग मौलवी बनाते हो। बादाम कागज को बादाम है तो मौलवी से क्या ताल्लुक है? अरे फलान जादूगर है, वो पता नहीं किसका नाम देता, ताला खोलते, तुम लोग मौलवी क्यों नहीं खोलते? ऐसे मुतालबात अल्लाह के नबी के सामने भी रख दी लोगों ने। भाई वो उसका फन है, हमारा फन ये है कि कुरान सुनत लोगों को समझाओ, बस ये हमारा कागज से बादाम बनाना, लोहे से मिठाई बनाना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये उससे पूछो जो बनाता है। यही मुतालबा इन लोगों ने कहा। अब नबी का काम है लोगों को राय रास्ता दिखाना, जन्नत का रास्ता दिखाना, जहन्नम बता के बचाना। बात समझे कि नहीं समझे? अगर ऐसा कागज से बादाम कुरान में इसका जिक्र होता तो हम बना के आपको दे देते। फरमाया, वकालु लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिन अल-अर्ज़ यन्बुआ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस वक्त तक आपकी तस्दीक नहीं करेंगे, मक्का की सरजमीन में हमारे सामने चश्मा जारी करो, औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व अनबिन, हमारे सामने खजूरों के बागात पैदा करो, अंगूरों के बागात पैदा करो, फतुफज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा, ये खजूर के बागात हो, ये अंगूर के बागात हो, बीच में मीठे पानी की नहरें जारी कर दो। अच्छा आगे बताओ, औ तुस्कित अस्समा, बार बार हमें धमकी देते हो कि मानो नहीं तो आसमान तुम पर गिर जाएगा, अल्लाह का अज़ाब गिरा हुआ तुम्हारे हाथ में तो गिरा हुआ, रोज हमें धमकी देते हो कि मान लो मुझे नहीं मानोगे तो आसमान गिर जाएगा, आसमान अल्लाह गिरा देगा, गिरा तो देखेंगे कैसे गिर जाएगा। जैसे आपका नजरिया है, जैसे आपका गुमान है, मान लो नहीं तो आसमान का टुकड़ा गिर जाए, गिरा आपकी मर्जी, मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं। देखो, ओ दादिया बिल्लाही वल मलाइकत कबीला, अल्लाह सामने आ जाए, फरिश्ते सामने आ जाए और ये कहे अल्लाह का रसूल है, अल्लाह हमारे सामने आ जाए और ये कहे ये मेरा रसूल है, तब मानने के लिए तैयार है। कहते ना ये मुंह और ये मसूर की दाल, अल्लाह खुद कहे कि ये मेरा रसूल है तब मानने के। अब आप कहते हो अल्लाह ने भेजा, अल्लाह हमने नहीं देखा, आप कहते हो कि जिब्रील आकर बताते, वो तो हम नहीं देखते,
इसको कहते हैं गैब जानना, इसको क्या कहते हैं, गैब की बातों पर यकीन रखना। हमने न नबी देखा है न फरिश्ते देखे हैं, तब भी हमें अल्लाह पर भी यकीन है, हमें नबियों पर भी यकीन है और हमें फरिश्तों पर भी यकीन है। आगे चलकर हमें जहन्नम पर भी यकीन है, हमें अल्लाह की जन्नत पर यकीन है। ये तमाम चीजों पर यकीन रखना, कुरान मजीद पर यकीन। अल्लाह को हमारे सामने लाओ, फरिश्तों को हमारे सामने लाओ, फरिश्ता हमें कहे कि अल्लाह का रसूल है तब मानने के लिए तैयार है, अल्लाह कहे मेरा रसूल है तब मानने के लिए तैयार है। आगे देखो, औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन। हमेशा काफिरों का एतराज था कि गरीब क्यों है, हमेशा नबियों पर काफिरों का एतराज था कि ये गरीब क्यों है। अल्लाह को नबी बनाना था तो किसी वडेरे को नबी क्यों नहीं बनाया, मक्का के ताइफ के किसी सरदार को क्यों नहीं बनाया, ये उनका एतराज था। आओ या को अल्लाह का, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ने दो सामने दो ऑप्शन रख दिए, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अमीर बनना पसंद करोगे, नबी गरीब बनना पसंद करोगे, ये भी आप दोनों में से कोई भी इख्तियार करें, देने के लिए मैं तैयार हूं। बात समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहयिनी यतीमा, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे जिंदा रख मिस्कीनों के साथ, मुझे जिंदा रख गरीबों के साथ, मेरी मौत आ जाए मिस्कीनों और गरीबों के साथ, वहशुरनी अला ज़ुमरतिल मसाकीन, और क़यामत के दिन मेरा जब हशर हो जाए वहां पे मेरे साथ भी मिस्कीन और गरीब हो। बात समझे कि नहीं समझे? ये ऑप्शन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को दे दी। ये मुतालबा सुन रहे हो ना काफिरों के, क्या क्या कह रहे हैं, औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन, औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन। इस नबी का कोई चांदी का घर होना चाहिए, नबी का कोई चांदी का घर क्यों नहीं है, सोने और चांदी का घर होना चाहिए इसका। कोई चांदी का घर होना चाहिए इस नबी के लिए। अल्लाह कहते हैं महबूब है, इसके पास एक झोपड़ी है, इसके पास तो सोने का घर होना चाहिए। आगे और मुतालबा, आप तो ये कहते हो कि मैं मेराज की रात गया हूँ, ये चीज लेकर आया हूँ, फला चीज लेकर आया, नमाज लेकर आया, किताब लेकर आया हूँ, और आप ये भी कहते हो कि जिब्रील अमीन आकर किताब देता है, नहीं ऐसे नहीं मानते। आओ तरका फिसमा, हमारे सामने सीढ़ी लगाकर आसमान पे चढ़ जाओ और हम देख रहे हैं, और ऐसे सीढ़ी लगा के आसमान पे देख लो, हम सारे देख रहे हो, वहां से किताब लेकर आओ, आप खुद जाओ खुद वहां से किताब लेकर आओ। सिर जाए औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन, औ तरका फिस्समा, हमारे सामने आसमान पे चढ़ जाओ। अब आसमान पे चढ़ोगे तब भी, हमारे सामने चढ़ोगे तब भी हमें भरोसा नहीं होगा, खाली हाथ जाओ सीढ़ियों पे हमारे सामने, वहां से ऐसी किताब लेकर आओ। वलन नुमिन लिरुकयिका हत्ता तुनज़िल अलैना किताबन नक़्रा, चढ़कर फिर भी भरोसा नहीं है, ऐसी किताब लेकर आओ, लन नक़्रा, हमें पढ़ना आता हो, जट जाहिल लोग हैं, हमें पढ़ना आता हो, किताब भी ऐसी लेकर आओ कि हमें पढ़ना आता हो। कितने मुतालबे, सात मुतालबे किए, किसके सामने किए, नबी के सामने किए। अब देखिए के चश्मा जारी करो मक्का की सरजमीन पर, अंगूरों के बागात बनाओ,
अनार के अंगूरों के बागात बनाओ, खजूरों के बागात पैदा करो, इनके नीचे नहरें जारी कर दो, आसमान हम पर गिरा दो, अल्लाह को सामने लेकर आओ, फरिश्तों को सामने लेकर आओ, चांदी का महल हो हमारे सामने, चढ़कर आसमान से किताब लेकर आओ जिसको हम पढ़ने वाले हो। अब लोग यही इंतजार करते हैं कि नबी इन सब कामों को इनके सामने कर देगा। अब नबी क्या करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने नहरें भी जारी करेगा, खजूर के बागात निकालेगा, अंगूर भी पैदा करेगा, इन दोनों के बीच में नहरें जारी करेगा, और क्या सोने का महल बनाएगा, इनके सामने आसमान पे चढ़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये काम किसका है? खोल नबी अकरम सल्लल्लाहु की तरफ से जवाब आया, खोल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए सुभान रब्बी अल कुंतु इल्ला बशर रसूला, सुभान रब्बी। सुभान रब्बी का माना क्या? मेरा रब पाक है। लेकिन इधर तर्जमा किस तरह बनता है? इधर तर्जमा क्या क्या बनता है, कैसे बनता है इसका? कुल सुभान रब्बी, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं सुभान रब्बी का तर्जुमा कर रहा हूँ। सुभान रब्बी का माना वैसे अल्लाह पाक है, मेरा रब पाक है, लेकिन इधर माना कैसे बनता है इसका? सुभान रब्बी, कुरान मजीद की हर लफ्ज का उस मौजू के मुनासिब से तर्जुमा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कुल सुभान रब्बी, ये बहुत सारे मुश्किल काम है, मैं आजिज हूँ, सुभान रब्बी, मेरा रब आजिजी से पाक है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत मुश्किल मुतालबा पेश किया, बहुत मुश्किल मुतालबा पेश किया, ये तो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, सुभान रब्बी, लेकिन मेरा रब करे तो उसके लिए कोई मसला नहीं। सुभान रब्बी का तर्जुमा इधर ही होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये रब का काम है। अब रब का काम आप एक इंसान के सामने डाल दोगे तो रब और है, मोहम्मद और है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए फरमाया काफिरों ने मुतालबा किया ये काम हो, अल्लाह की मर्जी थी ये काम न हो, नबी ने भी वो काम नहीं करके दिखाया। पता चला मर्जी अल्लाह की पूरी होगी, चाहे इंसान हो, वली हो, नबी हो, एक मर्जी उसकी हो, एक मर्जी अल्लाह की हो, मर्जी वही पूरी होगी जो अल्लाह की मर्जी होगी। बेशक। बात समझे कि नहीं समझे? अब नबी को तो ये सब कुछ करना चाहिए था, उसी वक्त करना चाहिए था। देखो मौजिजा भी अल्लाह की ताकत होती है जिसको अल्लाह नबी के हाथों से जाहिर करता है। अब मैं आता हूं अपने असल तकरीर की तरफ। कहां था हमारा मौजू? अब सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि बैतुल मुकद्दस की तामीर शुरू करो। बहुत पुराना मौजू है। अब जिन्नात किस तरीके से तामीर करते थे? वो मकाम से يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ, जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के लिए बनाते थे महारीब। महारीब कहते मेहराब को। इसको मेरे ख्याल से भी जिन्नात बना रहे, तभी तो मुकम्मल तो नहीं हो रहा है। يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ, जिन्नात बनाते थे सुलेमान अलैहि सलाम के लिए मेहराब। मेहराब किसे कहते हैं? मेहराब का मतलब है बादशाहों का घर। मेहराब का क्या मतलब है? बादशाहों का घर, बड़े बड़े लोगों के घर को मेहराब कहा जाता था। मैंने आपको यह कहा ये मेहराब इस हालत में, ये मेहराब इस हालत में अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में भी नहीं था। ये जब खुलफा पर, सलातीन पर हमले शुरू हो गए, इन्होंने अपने बचाव की खातिर, क्यों? उस वक्त नमाज भी बादशाह पढ़ाते थे, नमाज भी बादशाह पढ़ाते थे, तो उनको खतरा था कि कहीं अवाम हम पर हमला न करे। इन्होंने मस्जिद से बाहर एक छोटा कमरा बनाया था, उसको मेहराब कहा जाता था। उसमें वो बादशाह,
वो पेशवा लोगों को नमाज पढ़ाता था। तभी तो फिकी एक मसला है, आपको मैंने बता दिया, मोतकिफ उस कमरे में नहीं जा सकता जो बादशाह का मेहराब मस्जिद से बाहर अलग बनाया जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं इस मेहराब के अंदर आने से तुम्हारा इत्तेकाब टूट जाएगा। मसला समझने मेरे को गलत फहमी हो गई, वो ये मेहराब नहीं है, वो मेहराब है जो मस्जिद से बाहर अलग होता था, वो मस्जिद में दाखिल नहीं होता था, वो अलग से छोटा कमरा होता था। पेश इमाम अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसमें चला जाता था, वहां से इमामत करता था, वो वाकई मस्जिद से खारिज था, उसमें अगर मोतकिब जाता है तो इसका इत्तेकाब टूट जाता। ये रोजे अव्वल से जिस दिन मस्जिद की बुनियाद रखी है वो मस्जिद का हिस्सा है ये, तो लिहाजा इसके अंदर सोने से मोतकिब का और अजान देने से अंदर आने से इत्तेकाब टूट नहीं जाता। बात समझे कि नहीं समझे? यही मसला है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आप अंदर रखो, थोड़ा सा इसको बाहर ले जाओ ताकि पेशवा की टांगी भी मेहराब से बाहर हो जाए, इसलिए कि पूरा मुकम्मल अंदर हो जाएगा तो नमाज मकरूह हो जाएगी। गलत मसला सुनाया और गलत मसला समझाया। क्यों? उससे भी वही मेहराब मुराद है, इसमें अगर आप पूरा अंदर घुस जाओगे अरे पेशवा की बात है तब भी आपकी नमाज मकरूह नहीं होगी। नहीं समझे? दोनों मेहराबों को लोगों ने गलत मलत कर दिया है, हालांकि इसका हुक्म और है उसका हुक्म। या मनोना लहो मायशा जिन्नात बनाते थे सुलेमान अलैहि सलाम के लिए महारिब मेहराब बनाते थे, यानी बड़े बड़े घर बनाते, किले बनाते थे। वो तमासीला तिमसाल के दिन तस्वीर को, तमासील तिमसाल की जमा क्या है? तस्वीरें। तस्वीरें बना, तस्वीर हमारी शरीयत में, लोग कहते हैं हमारी शरीयत में मना है, तस्वीर हमारी शरीयत में मना है। अब तस्वीर किसे कहते हैं ये भी तो हमारे उलमा के बीच में इख्तिलाफ है, इल्मी मसला है। मैं आपके सामने इतना बयान कर सकता हूँ कि बाज़े उलमा के नज़दीक तस्वीर उसे कहा जाता है जिसको आप पकड़ सकें, ये तस्वीर उसको कह सकते हैं कि मतलब आपके अवशनाति कार्ड है ना, उसको आप पकड़ सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं कि ये तस्वीर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो कैमरे के सामने आता है वो तस्वीर है कि नहीं, कुछ कहते हैं कि तस्वीर नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल बंद करेंगे तो आप उसको पकड़ सकते हैं तस्वीर को, मोबाइल को पकड़ना तस्वीर को पकड़ना नहीं है, मोबाइल में तस्वीर है किसी की, आप मोबाइल बंद करें तस्वीर गायब हो गई, अगर आप उसको निकालना चाहें हाथ से तो नहीं निकाल सकते। कुछ कहते हैं ये तस्वीर नहीं है, तस्वीर वो है जो हदीस में आता है क़यामत के दिन सख्त तरीन सजा तस्वीर बनाने वालों को होगा। कहते हैं अल्लाह के नबी के दौर में कैमरे वाली तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर थी जो बनाते थे क्या मुजस्मे बनाते थे, पत्थर का मुजस्मा होता था, पत्थर के मुजस्मे, अल्लाह के नबी के दौर में ये तस्वीरें नहीं होती थी, वो हमेशा पत्थर के मुजस्मे बनाते थे। और फिर उस वक्त के लोग बड़े बड़े अपने बुजुर्गों की तस्वीर बनाते थे मुजस्मे की सूरत में, मुजस्मा समझते नहीं समझते, जैसे पत्थर का बना मूर्ति कहते उसको, इसको कहते थे मिसाल। हदीस बात में आता है क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब तस्वीर बनाने वालों को होगा। उलमा कहते हैं इससे वो तस्वीर मुराद है जो मूर्ति की शक्ल में लोग बनाते हैं, पुराने ज़माने में लोग बनाते फिर उनकी इतनी अकीदत होती कि लोग इनके सामने सजदा रेज हो जाते। आप देखें नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पांच बुजुर्ग थे, यहूस नसर, सूरह नूह के अंदर इनका जिक्र था। अब इनके बड़े बड़े बुजुर्ग फौत हो गए, इन्होंने पहले इनकी तस्वीरें बना दी, मुजस्मे बना दिए, खाके बना दिए, फिर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि उनके सामने सजदा करने लगे, ऐसी तस्वीर को शरीयत ने हराम करार दिया है। आप देखें हमारे दौर में आज भी है, बहुत सारे दुकानों में आप जाकर देखेंगे एक मलंग की तस्वीर रखी हुई है, कि बरकत के लिए सुबह को इसको देखना चाहिए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि यहां तक शलवार भी नहीं है, भाई बुजुर्ग ऐसे बेशलवार तो नहीं होते, मार्केटों में जाओ बाजारों में जाओ ऐसे बेशलवार तुम्हें पागल ही मिलेंगे जिनकी शलवार नहीं है। आप ऐसे बेशलवारों की तस्वीर अपने वो दुकानों में लगा दोगे और आप ये कहोगे ये बुजुर्ग है, सुबह सवेरे इसको देख लो दुकान के अंदर बरकत आएगी। कोशिश करो इसको पहले शलवार पहना दो फिर इसके बाद इसको देख लो। हाँ आप इस तरह की जितनी तस्वीरें आप देख लें उनकी शलवार नहीं है और तस्वीरें लगा दी लोगों ने, ये तस्वीर जिसके अंदर इतनी अकीदत हो तो फिर आराम
बात समझी। लेकिन एक तस्वीर है, ऐसी तस्वीर है कि जिसकी आपको कोई हाजत नहीं, जरूरत नहीं, तो आप तस्वीर ना बनाओ। कैमरे वाली भी तस्वीर अगर चीज जिसकी हाजत नहीं है तो आप ना बनाओ। अगर एक तस्वीर जरूरी है तो जरूरत के तहत तो जायज। मसलन आप हज के लिए जा रहे हो, जब तक आपकी तस्वीर नहीं होगी तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो आप आगे काम आपका नहीं हो सकता, तो फिर आप मजबूरन इतना कर सकते हो, एक दस दस ना बनाओ, एक बनाओ, जरूरत एक से पूरी होगी तो आप दस ना बनाओ। इसी तरह आपका शनाख्ती कार्ड है, अगर नहीं बनाओगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। अमन अमान की सूरत हाल में आपके लिए चीज रखना जरूरी है, तो फिर आप इसको जेब में रखोगे, शनाख्ती कार्ड के लिए तस्वीर बनाओगे, तो ये उस अजाब से अलग होगा। बात समझे नहीं समझे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो तस्वीरें थी वो क्या थी, वल्लाह आलम कुरान और हदीस में इसकी पूरी तफसील नहीं की किस तरह की तस्वीरें थी, किस तरह की तस्वीरें थी। लेकिन चूंकि उनकी शरीयत अलग है, हमारी शरीयत अलग है, सब शरीयतों में फर्क का इख्तलाफ होता है, अकीदा सबका एक है, अकीदा सबका एक है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक जितने भी अंबिया हैं सबका अकीदा एक है कि अल्लाह एक है, आखिरत जरूर आएगी, कब्र मरना जरूर इंसान को है, कब्र में सवाल जवाब जरूर होगा, और इसके अलावा फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिदुल वजूद है, जन्नत है, जहन्नम का वजूद है, ये सब अकीदे के मसाइल हैं, आखिरत का वजूद है, ये सब अकीदे के मसाइल हैं। इसमें तो सारे अंबिया, सारी शरीयतें, सारी उम्मतों का अकीदा एक है, लेकिन फरा मुख्तलिफ है, शरीयत मुख्तलिफ है, किसी में दो नमाज, किसी में पचास नमाज, ये शरीयत है, शरीयत मुख्तलिफ होती है, किसी में किसके साथ निकाह जायज तो किसी में किसी के साथ निकाह जायज नहीं है, ये शरीयत है, किसी में सदका खाना हलाल तो किसी में सदका खाना हराम। पिछले शरीयत में मसला ये था, सदके का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त, खैरात का गोश्त, कोई भी चीज हो, सदका हो, खैरात हो, कहा नहीं लेते, छठियल मैदान में रख देते, अगर वो सदका कबूल होता आसमान से आग आ जाती, उसको खा लेती, जला देती, समझ लो कि सदका कबूल हो गया। लेकिन अभी हम सदका भी करेंगे, उसको खाएंगे भी खुद, हाँ, उनकी शरीयत अलग है, हमारी शरीयत अलग है, वो भी अल्लाह का हुक्म, ये भी अल्लाह का हुक्म, बात समझे कि नहीं समझे। उनकी शरीयत में इबादत इबादत खानों तक महदूद थी, वो मस्जिद के अलावा, माबद के अलावा किनारे में नमाज नहीं पढ़ सकते, घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, होटल में नमाज नहीं पढ़ सकते, गाड़ी में सफर कर रहे, जानवरों का सफर कर रहे, बीच में नमाज नहीं पढ़ सकते, उनको अपने जहन में बनाना होता हमारी नमाज का वक्त है, हमारी इबादत का वक्त है, हमें यहाँ पे जाना चाहिए, रुकना चाहिए, हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाज होगी, लेकिन हम सफर में है, नमाज का वक्त आ गया, चादर भिजाओ आपकी नमाज हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। वहां पर मसला ये था कि अगर आपको वजू की जरूरत है, आपको वजू की जरूरत है, आपको हर हाल में पानी इस्तेमाल करना है, हमारे यहाँ ये मसला है, पानी की जरूरत है, वजू करना है, गुस्ल करना है, पानी नहीं है, एक किलोमीटर के मुसाफत पर पानी मौजूद नहीं है, अल्लाह ने आसानी फरमा दी, पाक मट्टी से पाकी हासिल कर सकते हो, जिसका नाम हमारी शरीयत के अंदर तयम्मुम रखा है। उनकी शरीयत में मुश्किल थी कि पानी से हर हाल में वजू करो, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, अल्लाह ने आसानी फरमाई कि पाक मट्टी से भी आप वजू कर सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे। उनकी शरीयत और है, हमारी शरीयत और है, अकीदा एक है, अकीदा क्या है, एक है। अब अगर तस्वीर हमारी शरीयत में हराम है, अगर आप ये कहते हो जिन्नात तस्वीर बनाते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, हम कहते हैं उनकी शरीयत और है, हमारी शरीयत और है। बड़े बड़े ताल, बड़े बड़े डबो, कल जवाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात कहा कि बड़े बड़े ताल बनाओ, मैं लोगों की दावत करूंगा। जिन्नात यहाँ पे गाते हैं, इंसान यहाँ पे गाते हैं, परिंदो चरिंद यहाँ पे गाते हैं, बहुत बड़ा ताल बनाओ, बहुत बड़ी तगारी बनाओ, इसी के अंदर खाना बनाओ। कल जवाब इतने बड़ी बड़ी तगारियां बना देते, बड़े बड़े लगन और ताल बना देते, कोई देखता कोई ये नहीं कहता कि तगारी ताल बल्कि तालाब है,
इतने बड़े बड़े बना दिए। जमे हुए देख बना दे दे, क्योंकि सखी का घर है बादशाह का घर है, नबी का घर है, नबी हो बादशाह हो सखी हो लोगों को खिलाता रहता था हर वक्त दे चढ़ी रहते थे। इतना सब कुछ करने के बाद हमने जिन्नात को आपके ताबे बनाया, वो हर किस्म के काम करते थे। अब याद रखो ये सब कमाल और ताकत मुझ अल्लाह की है। ए अमलो आल दाऊद शुक्रा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान वालों अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतना हमने आपको दिया तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। वकलीलुम मिन इबादी शकूर, एक तो हमारा शुक्र है, खाते खाते अल्लाह का शुक्र है वहां खाते 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 पेट भर दिया अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र ये है फजर की नमाज का वक्त आ जाए फौरन उठकर मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह ने नींद भी दी, नींद मन मौत कुरान में अल्लाह ने नींद को मौत भी करार दिया, नींद भी दी दोबारा अल्लाह ने जिंदगी दी, आ जाओ फजर की नमाज पढ़ो, ये है अल्लाह का शुक्र। ये अल्लाह का हमको साथ दिया, तेरा का शुक्र है बाप, अल्लाह का शुक्र है कि पेट के अंदर दो रोटी चली गई, अल्लाह का शुक्र है एज। और हमारा शुक्र भी ऐसा है और हमारी तौबा भी ऐसी है, तौबा 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 ये नहीं है, तौबा अल्लाह के सामने सजदे में रोने का नाम है तौबा। बात समझे कि नहीं समझे, ये तो ड्राइवर वाला तौबा 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 तौबा, बात समझे कि नहीं समझे। तो फरमाया व कलीलु मिन इबादी शकूर, सुलेमान अलैहि सलाम मौत करते फिर रह गए। बस ये कि आगे सुलेमान अलैहि सलाम की वफात का जिक्र है, इंशाल्लाह फिर वफात का जिक्र हम अगले जुमे को करेंगे, इसलिए तो मरना हम सबको है। ये मरने से ये बात समझ में रही कि देखो जिन्नात भी ताबे, बादशाह भी है, नबी भी है, अल्लाह ने ताकत भी दी है, हाँ चांदी क्या नाम है तांबा उसके हाथ में मोम बना दिया, तांबा उनके सामने ऐसे जारी होता था, तांबे वाला है ऐसा जारी होता था पानी जारी होता है, वो असल्ला ले वेदल कितरे, हमने तांबे के चश्मे बहा दिए। देखो लेकिन इसके बावजूद मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, नबी भी है बादशाह भी है, नबी भी है बादशाह भी है, लेकिन फिर भी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है लौ कानत दुनिया तदुमुल वाहिदिन, लौ कानत दुनिया तदुमुल वाहिदिन, अगर इस जमीन पर हमेशा किसी को रहना होता लकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा मुखल्लदु, तो अल्लाह के नबी हमेशा इस सरजमीन पे रहते। जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ मुझे यकीन हो गया अब दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे, तो इस दुनिया से हमेशा इस दुनिया में सबको जाना है, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला ईमान की मौत दे, ईमान पर इस्तेकामत की मौत दे दे, मौत के वक्त जुबान पे जारी हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यकीन जानो अगर किसी के मौत के वक्त अल्लाह ये कलमा जारी करे कामयाबी कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह भी तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला यही कलमा मौत के वक्त जुबान पे जारी सारी फरमा दे। अमीन।